नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज किचन। आज बनाते हैं एक स्पेनिश डेजर्ट। बहुत ही लाजवाब बनता है ये स्पेनिश डेजर्ट। इसका नाम है लासिप्रेता या फ्राइड मिल्क। आप सोच रहे हैं दूध को भी भला कभी फ्राई किया जाता है, तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी दूध को कैसे फ्राई किया जाता है, वो भी घर में जो बेसिक सामान होता है हम लोग का डेली यूज का, उसी से हम बनाएंगे। तो चलिए कैसे बनता है ये फ्राइड मिल्क आप भी देखिए, और हम बनाते हैं लासिप्रेता या फ्राइड मिल्क। लासिप्रेता या फ्राइड मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ml दूध लिया है। इसके साथ मैंने लिया है 4 टेबलस्पून चीनी। लासिप्रेता या फ्राइड मिल्क बनाने के फर्स्ट स्टेप में हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो और मैंने लिया है एक नींबू और एक दालचीनी का टुकड़ा, और कॉर्नफ्लोर है 4 टेबलस्पून। इस डेजर्ट का फर्स्ट स्टेप बनाने के लिए हमें बस इतना ही सामग्री चाहिए, तो बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम पहले दूध को ट्रांसफर कर लेंगे, इसे चढ़ा देते हैं चूल्हे में और फिर करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमें क्या करना है, ये जो लेमन है इसका ऊपर का छिलके को हमें निकालना है। आप जस्ट फॉलो कीजिए मैं कैसे इस प्रक्रिया को करती हूँ। बहुत ही सावधानी के साथ पहले ये पीछे वाला हिस्सा काट लिया है, फिर धीरे धीरे इसके जस्ट ऊपर का छिलका ही हमें निकालना है। इस प्रकार से आप लेमन का छिलके को निकाल लें। अब हमें क्या करना है, ये जो लेमन का छिलके में व्हाइट पोर्शन रहता है इसे स्क्रैच करते हुए हम निकाल लेंगे, नहीं तो कड़वी टेस्ट आ सकती है दूध में। ये छिलका रेडी हो गया है, अब इसे हम दूध में डालेंगे और साथ में डालेंगे वो जो सिनेमन स्टिक हमने लिया है, यानी कि दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी का टुकड़ा को भी हम दूध में डाल देंगे। लो फ्लेम में हम इन्हें बॉयल होने देते हैं और तब तक हम रेडी कर लेते हैं कॉर्नफ्लोर को। चीनी भी डाल देंगे, चीनी भी पिघल जाएगा दूध बॉयल होते होते। ये जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था इसका हम पानी से पतला घोल बना लेंगे और इसमें मिलाते हैं 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। कॉर्नफ्लोर का घोल बन गया है, इसे भी हम मिला देंगे दूध में। इस तरह का पतला घोल मैंने बनाया है। कॉर्नफ्लोर डालते ही इसे लगातार चलाते रहे, नहीं तो लम्स बनना शुरू हो जाएगा। इसे पकाते वक्त आप चूल्हे के फ्लेम को एकदम लो ही रखें। देखिए कितना सुंदर ये गाढ़ा होने लगा है। जितना धीरे धीरे ये गाढ़ा होगा का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब हम ये जो सिनेमन स्टिक है और लेमन का छिलका है इन दोनों को बाहर निकाल देंगे। लेमन और दालचीनी का टुकड़ा जो हमने डाला था उसका सारा फ्लेवर इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसे हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में ही सुखा लेंगे। इसे सुखाते हुए मैंने इस तरह का बना लिया है। अब इसे फटाफट से एक मोल्ड में ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए मैंने मोल्ड में पहले से ही ये क्लीन रैप लगा के रेडी करके रखा था। इसे अब हम रूम टेम्परेचर में आने देंगे, फिर इसे हम रखेंगे फ्रिज में।
अब ये रूम टेम्परेचर में आ गया है तो इसे अब हम रखते हैं फ्रिज में 1 घंटा के लिए। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो फ्रीज़र में 15-20 मिनट के लिए रख सकते हैं। 1 घंटा बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और ये एकदम प्रॉपरली सेट भी हो गया है। तो चलिए इसका करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हम एक प्लेट में इसे डिमोल्ड करेंगे। बहुत ही इजी होता है ये क्लीन रैप लगाने से डिमोल्ड करना। देखिए कितना सुंदर एकदम जेली जैसा बना है ये मिल्क पुडिंग। अब हम इसे मनचाहा शेप में काटेंगे। आप चाहे तो रेक्टेंगल काट सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। देखिए कितना सुंदर बना है ये मिल्क पुडिंग। आप ऐसे इसे फ्राई किए बिना भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और फ्राई करके खाने से इसका टेस्ट भी दुगुना तिगुना एनहांस हो जाता है। तो चलिए अब फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ लिया है मैदा 5 टेबलस्पून। इसमें मिलाते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदे का एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। और मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स। ये मेरा घर का बना हुआ ब्रेड क्रम्स है। अगर आप ब्रेड क्रम्स कैसे बनता है इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब ये जो मिल्क पुडिंग हमने बनाया था इसको हम कोट करेंगे, पहले मैदे में फिर इसे हम ब्रेड क्रम में क्रम करेंगे। इस तरह से हम सभी को रेडी कर लेंगे। 4 पीस को मैंने क्रम कोट करके रेडी कर लिया है फास्ट बैच का फ्राई करने के लिए। तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। इस डेजर्ट को क्रम कोट करते वक्त मैंने चूल्हे में तेल भी चढ़ा दिया था, तेल गर्म हो गया है, अब इसे फ्राई करते हैं। तेल को मैंने एकदम लो फ्लेम में रखा है क्योंकि इसे ज़्यादा हाई फ्लेम में फ्राई करने से ये अंदर से पिघलने लगेगा। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करना नहीं है, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक के लिए एक साइड फ्राई होने के साथ साथ ही हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड को भी उसी प्रकार फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर फूल रहा है ये। पलटते वक्त बहुत ही सावधानी से इसे पलटे, एकदम हल्के हाथ से इसे पलट लें, नहीं तो ये टूट सकता है। ये फास्ट बैच का फ्राइड मिल्क फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। एक टिश्यू पेपर के ऊपर मैं इसे निकाल लूँगी और बहुत ही सावधानी से इसे पकड़ना है, गर्म है अभी इसलिए, फिर ये ठंडा होने के बाद फिर से जम जाएगा। ये हो गया हमारा फ्राइड मिल्क और इसे फास्ट बैच के ही फ्राई किया हुआ ये फ्राइड मिल्क से हम डिसआउट भी करते हैं। इसे ये फिनिशिंग टच देना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून लिया है पाउडर शुगर और 1/2 टीस्पून लिया है सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर। इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सर को स्प्रिंकल करेंगे और ये मिक्सर को स्प्रिंकल करने से ये लेसेफ्रेता या फ्राइड मिल्क का फ्लेवर और भी दुगुना हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसे डिसआउट। लेसेफ्रेटा या फ्राइड मिल्क ये एक स्पेनिश डेजर्ट है। सच में ये माउथ वाटरिंग एक डेजर्ट है।
ये मुंह में जाते ही इसका ऊपर का जो क्रिस्पीनेस और अंदर का जो सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर है, ये आपको दिल और दिमाग में छा जाएगा। इसका टेस्ट अनोखा बनता है, तो क्यों ना अभी आप इसे ट्राई करें और इस नया और यूनिक डेजर्ट का मजा लें।